हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैप प्रोजेक्शन, और मैप प्रोजेक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल का त्रिबिंबीय प्रक्षेप या गोल का स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शन है यह बेलनाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है, और इस प्रक्षेप को कल्पनाओं के तीन कल्पनाओं के आधार पर इसको बनाया जाता है। इस प्रक्षेप की खास बात ये होती है कि जैसे मान के चलें कि ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर अगर हम कोई कागज़ रखते हैं तो वह कागज़ भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करेगा। यह भूमध्य रेखा को स्पर्श करने की बजाय 45 डिग्री उत्तरी और 45 दक्षिणी अक्षांश को यहाँ पर काल्पनिक आधार पर मान करके इसको बनाया जाता है, और जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है उस भूमध्य रेखा की लंबाई की जो दूरी होगी वो 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो कि अक्षांश रेखाएं होंगी या जो बनेंगी उनके आधार पर की जाती है, और सभी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वह उन्हीं 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के आधार पर होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1:25 करोड़ मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक गोल प्रक्षेप की रचना कीजिए और प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री रखिए। तो हमें एक त्रिबिंबीय गोल प्रोजेक्शन बनाना है। इस प्रक्षेप में हम लोग 15 डिग्री का अंतर रखेंगे। तो इस प्रक्षेप को बनाने से पहले हमें इसको यहाँ पर प्रश्न या रचना विधि के अनुसार इसको क्या सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले हमें पृथ्वी का लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना होता है, और जो लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास होता है उसको निकालने का सूत्र है, पहला है पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास बराबर। तो मैं आपको बता चुका हूं इसका सूत्र होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई प्रतिशत भिन्न का हर। तो यहां हम लिख लेंगे पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई प्रतिशत भिन्न का हर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको सेंटीमीटर में लेना है तो आपको 63 करोड़ 50 लाख रखना पड़ेगा, और अगर आप इसको इंचों में लेते हैं तो आपको 25 करोड़ इंच रखने होंगे। तो हम इसको सेंटीमीटर में सॉल्व करते हैं, रेडिएशन बराबर 63 करोड़ 50 लाख बट्टे दी गई प्रतिशत भिन्न का हर। तो ये अंश होता है, ये हर होता है, ये हमारी भिन्न दी गई है, यानी कि क्वेश्चन में 25 करोड़, तो यहाँ लिखेंगे 25 करोड़। तो जब आप 63 करोड़ 50 लाख में भाग देंगे 25 करोड़ का, तो आपका आंसर आएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो पृथ्वी के गोले का जो अर्धव्यास निकल के आया वो आया है 2.54 सेंटीमीटर। तो इसी में हम लोग अब क्या करेंगे कि यहीं पे हम 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री के आधार पे इसको पढ़ा जाता है, 45 डिग्री जो अक्षांश व्रत होगा, अक्षांश व्रत की लंबाई। तो जब हम लोग 45 डिग्री अक्षांश व्रत को यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका वही 2 पाई आर, और इसी में जो दिया जाता है आप लोगों का 45 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम इस प्रक्षेप को बनाते हैं तो 45 डिग्री के आधार पर बनता है, और उसका जो मान होता है वो हमें यहाँ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे 2, यहाँ पे 22 बट्टे 7,
आर की वैल्यू ऊपर आई थी अभी 2.54 इंटू 45 डिग्री का जो मान दिया गया है, तो जब आप इसको बुक में देखेंगे तो वो दिया गया है 0.7071। तो आप 2πr इंटू जो आप लोगों का जो 45 डिग्री का जो कोण होता है या कोटि जो 45 डिग्री हमें लेना होता है उसका मान यहाँ रख लेते हैं, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11.29 सेंटीमीटर। यानी कि 45 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं जब आप इसमें यहाँ बनाएंगे तो उनकी जो लंबाई निकलेगी वो निकलेगी 11.29 सेंटीमीटर। इसी में तीसरा स्टेप जो थर्ड स्टेप होता है, और जो थर्ड स्टेप रहता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि दो देशांतरों के मध्य दूरी, तो जो दो देशांतर होते हैं उसके जो मध्य दूरी आएगी, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई, अक्षांश वृत्त की लंबाई इंटू अंतराल बट्टे 360। तो आप मान लगा दीजिए, तो अभी 45 डिग्री जो अक्षांश वृत्त की लंबाई थी वो थी 11.29, तो 11.29 इंटू, अब अंतराल क्वेश्चन में कितना कह रहा है, वो कह रहा है 15, तो यहाँ से हम देखेंगे तो वो होगा 15 और बट्टे 360। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.47 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपने पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास निकाला, वो आया 2.454 सेंटीमीटर। आपने 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की जब लंबाई निकाली तो वो आई 11.29 सेंटीमीटर, और आपने ऐसे ही दो देशांतरों के मध्य जो दूरी आपको रखनी है वो रखनी है 0.47 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के बाद में अब हम इसे आगे प्रोजेक्शन को बनाते हैं। हमने अभी जब इसको सॉल्व किया तो रेडिएशन आया था 2.54, और 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की से जो भूमध्य जो लंबाई आ रही थी अक्षांश रेखा की वो आई है 11.29 सेंटीमीटर, और दो देशांतरों के मध्य जो हमें अंतर रखना है वो रखना है 0.47 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आगे बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप अपनी प्रकार में 2.54 सेंटीमीटर की आप दूरी लें, तो आपको अपना एक स्केल लेना है और प्रकार लेनी है, और प्रकार में आपको नाप करके 2.54 यानी कि 2 सेंटीमीटर पूरा और आधा सेंटीमीटर यानी 2.50 और उससे थोड़ा सा हल्का ज़्यादा, या आप 2.5 तक भी ले सकते हैं, क्योंकि राउंड फिगर में हम लोग इसे 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर ये 2.55 होता तो हम इसे 2.6 सेंटीमीटर लेते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2.54 सेंटीमीटर की हमें एक दूरी लेनी है और एक वृत्त बनाना है। तो हमने जैसे ये एक वृत्त इस प्रकार से बना लिया, अब हमें करना ये होगा कि जहाँ हमारी प्रकार की नोब थी उस प्रकार की नोब पर इसको चार भागों में इसे हम बांट देंगे। तो चार भागों में क्या करना है, इसको स्केल की सहायता से हमें बांटना है। इस प्रकार से हम इसको चार भागों में बांट लेते हैं। चार भागों में बांटने के बाद में अब यहाँ पर हम इसको नंबर दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, और यहाँ पर हम इसको सी और इसको डी लिख देते हैं, और ये जो भाग है इसको हम लोग ओ बिंदु मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें करना ये होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि प्रक्षेप अंतराल 15 डिग्री रखिए। तो आपको करना ये होगा कि आप जानते होंगे कि ये 90 का कोण है और ये भी 90 का कोण है, तो चांदी की सहायता से
15-15 डिग्री के यहाँ कोण आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको बनाने के लिए सबसे पहले आप 45 का यहाँ कोण का निशान लगा लें और एक 45 का कोण आपका यहाँ लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 का सी वाला आ जाएगा आपका। ऐसे इधर यहाँ 15, 30, 45, 60, 75 और ये डी वाला भाग जो होगा वो आपका 90 को शो करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इन पर कोण बना देते हैं। ये सारे के सारे कोण 15-15 डिग्री कर हम लोग बनाते हैं। हमने क्या किया कि 15-15 डिग्री के यहाँ पर हमने कोण बना लिए। क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि जो 45 डिग्री अक्षांश वृत्त है, जो वृत्त है उससे हमें लंबाई बनानी है 11.29 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो 45 का कोण है, ये जो 45 का कोण है इसको और नीचे के 45 के कोण को, यहाँ दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर एक रेखा सीधी आपको खींचनी है। जो ऊपर के 45 के कोण को और नीचे के 45 कोण को मिलाकर के आप एक सीधी रेखा खींचें जो बिना माप की है, ये 45 के दोनों कोणों को टच करते हुए बनेगी। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे और ये जो हमने रेखा खींची है इसे हम लोग यहाँ पे ई और एफ नाम दे देते हैं। ये ई और ये यहाँ पर एफ है। इसके अलावा जो हमने और भी जो यहाँ पे एक कोण डाले हैं उन्हें हम लोग अलग अलग नाम से यहाँ इसको हम दे सकते हैं। और इसी में हम लोग क्या करेंगे कि अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो रेखा जा रही है ई और एफ वाली जो रेखा जा रही है, अब ये जो यहाँ पे ओ और बी जो रेखा है यहाँ से लेकर के, क्योंकि भूमध्य रेखा की जो लंबाई है अब हमें यहाँ से लेनी है। तो यहाँ से जब आप इसकी रेखा की लंबाई लेंगे तो वो लंबाई होगी 11.29 सेंटीमीटर। तो आपको करना ये है कि यहाँ पर ओ बी वाली रेखा पर अपना स्केल रखेंगे और 11.29 यानी आप 11.30 मान लें, 11 सेंटीमीटर पूरे पूरे और तीन छोटे छोटे इसमें जो मिलीमीटर दिए जाते हैं तो 11.3 सेंटीमीटर की आप इसमें एक दूरी खींचेंगे। तो हमें एक ऐसे स्केल रखना है और 11.3 यहाँ से इस रेखा से जो ई एफ है और जो आपके ओ और बी रेखा कट रही है यहाँ से नाप करके आपको 11.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है। जैसे ये 11.3 सेंटीमीटर की रेखा मैंने यहाँ पे ये बना दी। अब जो मैंने 11.3 की जो रेखा बनाई है इसे हम लोग जैसे जी एच नाम दे देते हैं। ये जी है और ये एच है इस साइड में। अब इसके बाद में और बाकी जो कोणों को हम नाम देते हैं, जैसे इसको आई आई, इसको जे के, एल एम एन ओ और पी, इस प्रकार से हम लोग इनको क्या करते हैं कि अलग अलग नाम से यहाँ लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद में अब हम हमारा काम ये होगा कि अभी आप पीछे देखिए ये जो एज आपका जो बिंदु दे रखा है, अब ए बिंदु से आपको करना ये है कि ये जो आपने रेखा जो ई और एफ खड़ी कर रखी है उस पे डॉट की सहायता से यहाँ पे कोणों, एक तो कोण और प्लस ए, यहाँ से आपको इसके रख करके आपको डॉट डॉट की सहायता से रेखा खींचनी है। और ये जो आपकी जो अभी जो रेखा बिना नाप की ये जो रेखा है इस पर ले जा करके आपको क्या करना है, इसको काटना है। तो जैसे यहाँ से हम लोग ए से रखेंगे स्केल को और जो 90 डिग्री कोण है पहले हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ ए पे रखेंगे, इधर 90 को यहाँ टच करेंगे और डॉट डॉट की सहायता से इसको यहाँ ले जाते हैं 90 को टच करते हुए। ऐसे हम क्या करेंगे कि ये जो एल है ये 75 की रेखा है तो बार बार यहीं से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिबिंबीय जो प्रोजेक्शन होते हैं वहाँ पर यहाँ से प्रकाश डाला जाता है और यहाँ से प्रकाश डाल करके और कागज़ पर जो रेखा उभर करके आती हैं उसके आधार पर ये तैयार होता है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, ए पर वापस रखेंगे
और यहाँ 75 को टच करते हुए एक दूसरा डॉट डॉट रेखा बना लेंगे जो कि इस रेखा को काट करेगा। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे कि सारे यहाँ पे ए पर टच करते हुए सभी पर यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग तैयार करेंगे और प्रत्येक कोण पर यहाँ से स्केल की सहायता से आपको बनानी है। तो जब आप इसकी सहायता, तो देखो यहाँ पर आप लोगों के ये निशान निकल करके आएंगे जो कि अक्षांश रेखाओं को यहाँ पर ये क्या करेंगे प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही आपको नीचे भी सेम वही स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पर भी वही सेम, यहाँ से आप डॉट डॉट की सहायता से इनको कट लगाएंगे। इस प्रकार से यहाँ हम लोग इसको भी यहाँ, इसको यहाँ पूरा आपको ले जाना है। ऐसे ही आप इसको भी नीचे की ओर इसको पूरा यहाँ से टच करते हुए इसको बना लेते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे सामने यहाँ पर ये रेखाएँ निकल करके आ गईं। ये जो रेखाएँ हैं, ये रेखाएँ हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, निशान लगा लेना है। और इन्हीं रेखाओं को इस 11.3 की जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री वाली, इसी के समांतर जो जी एच आपने रेखा ले रखी है, इसी के समांतर आपको 11.3 की रेखाओं को आगे बढ़ाना है। और रेखाएं बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जी एच की तरह ही आपको स्केल ऊपर रखिए और जी एच के समांतर इनको क्या करेंगे आप आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब ये रेखाएँ बढ़ानी कहाँ तक हैं, यहाँ आप देखेंगे कि आप जो एच जी एच रेखा बना रखी है, यहाँ पर भी आप एक ऐसी ही सेम रेखा इधर की ओर खड़ा कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दूरी लेंगे और यहाँ एक रेखा ऐसी ही सेम यहाँ H पर खड़ी कर देंगे। ये रेखा हमने H पे खड़ी कर ली। अब हम क्या करेंगे कि इन अक्षांश रेखाओं को बनाने के लिए इन रेखाओं को यहाँ जी एच के समांतर आप इनको सीधी खींच देंगे। इस प्रकार से इनको हम लोग बना लेते हैं। ध्यान रखेंगे ये रेखा जो कट रही है, इस रेखा के आधार पर ही, ई एफ जो रेखा आपने डाली थी उसी के आधार पर आपको ये रेखाएं खींचनी हैं। ऐसे ही नीचे की ओर जो दिया गया उस पर भी यही सेम प्रक्रिया हम लोग अपना लेते हैं। जब आप इसे स्केल की सहायता से बनाएंगे तो ये एकदम साफ सही ढंग से बनेगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि भूमध्य रेखा की जो लंबाई हमने अभी जो 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिण के आधार पर ली थी, ई और एफ के आधार पर, सभी अक्षांश वृत्तों की लंबाई कैसी है, समान है। अब ये तो अक्षांश रेखाएँ बन गई। हम लोग यहाँ पर ये 0 डिग्री के लिए भूमध्य रेखा आपकी प्रदर्शित हो गई 11.3 यहाँ लिखा हुआ है, और ऊपर यहाँ पर 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री उत्तर का पड़ता है तो नॉर्थ लिख देते हैं, वैसे सेम नीचे 45, 60, 75 और 90, ये साउथ की, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं साउथ। तब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अक्षांश रेखाएँ 15-15 डिग्री के अंतराल पे बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमारी अक्षांश रेखाएं बन चुकी हैं, अब हमें इसमें देशांतर रेखा बनानी है। तो जब हमने प्रश्न को सॉल्व किया था तो दो देशांतरों के मध्य जो दूरी हमें रखनी है वो रखनी है 0.7
सैंतालीस सेंटीमीटर। तब आपको करना ये होगा कि जो भूमध्य रेखा दी गई है, इस भूमध्य रेखा को हम लोग क्या करेंगे कि अपनी प्रकार में दूरी लेंगे, या अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रकार में दूरी नहीं आ पा रही है तो एक अच्छा तरीका ये है कि हम लोग डिवाइडर की सहायता से 0.47 यानी कि आधा सेंटीमीटर से थोड़ा कम हम लोग दूरी इसमें लेंगे। और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि ये जो आपने GH जो रेखा बनाई थी जो कि भूमध्य रेखा को प्रतिशत कर रही थी, यहाँ से ही यहाँ ये जो रेखा खड़ी यहाँ से आप निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। और जब आप निशान लगाएंगे इसके तो ये आपकी यहाँ पर 24 रेखाएं बन करके तैयार हो जाएंगी। क्यों? जैसा कि आप जानते होंगे कि टोटल 360 देशांतर होते हैं और 15 डिग्री का अंतराल कह रहा है, तो टोटल जो देशांतर रेखा होंगी उनकी संख्या होगी 24। तो अब आपको यही करना होगा कि इसके डिवाइडर से निशान लगा लेने हैं, या फिर एक तरीका है कि आप 11.29 या 11.30 में 2 का भाग दे दें और जो आपका यहाँ आंसर निकल के आएगा उस आंसर के आधार पर ही आप इसको पहले 2 भागों में बांट लें। तो जैसे आपने इसको 2 भागों बांटा तो जैसे ये वाले भाग यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे जो 0 डिग्री आई, ये बीच की जो रेखा होती है ये ग्रीनविच रेखा या इसको मध्यान रेखा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने उसको बना लिया। अब हमें 24 रेखाएँ बनानी हैं, तो 12 रेखाएँ आप इधर बनाइए ईस्ट की तरफ और 12 रेखाएँ वेस्ट की तरफ बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें निशान लगाते चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 12 के लिए बीच में निशान लगाएं। तो अब 6 रेखा यहाँ बनानी है, 6 यहाँ बनानी है और इसका और आप आधा कर लें तो 3-3 अब आप आसानी से इसके भाग कर पाएंगे। अब आपको करना ये होगा कि आप इसके 3-3 भाग के हिसाब से प्रत्येक में हम लोग क्या करते हैं इसको बना लेते हैं। ऐसे इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले इसको 2 भागों बांट लेते हैं, अब इसको भी हम 2-2 भागों फिर बांट देते हैं। ये हमें डिवाइडर से बांट लेने हैं और यहाँ पे इसको हम लोग इसको अलग अलग भागों में इसको बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इनकी खड़ी रेखाएं आपको बनानी हैं। तो हम लोग स्केल की सहायता से इन रेखाओं को खड़ा कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे 15-30, तो मैं 30-30 के अंतराल पर लिख देता हूँ, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ये वेस्ट होता है यहाँ पश्चिम लिख देते हैं, आप चाहें तो इनको 15-15 के अंतराल भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही इधर करके हम लोग 30, यहाँ 60, 90, 120, 150 और 180, यहाँ हम लोग ईस्ट लिख देते हैं। और ये जो बीच की जो भूमध्य रेखा आप देख रहे होंगे इसको थोड़ा हम लोग डार्क कर लेते हैं, डार्क करने से ये थोड़ी सी हमें अलग ही स्पष्ट दिखाई देगी। और हम लोग यहाँ पर इक्वेटर लिख देते हैं, इक्वेटर लाइन। और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है हमारा गोल का त्रिबिंबीय प्रोजेक्शन। अब ये जो त्रिबिंबीय प्रोजेक्शन होता है इसकी विशेषता ये होती है कि ये 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर इसकी जो मापनियाँ होती हैं वे शुद्ध होती हैं, या 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होगा वो यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत होगा। इसके अलावा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये मापनी शुद्ध नहीं होती है। तो ये रहा आज का प्रोजेक्शन जिसका नाम था गोल का त्रिबिंबीय प्रोजेक्शन। तो आज हमने सभी सेंडिकल प्रोजेक्शन या विलयन का प्रक्षेप पढ़ लिए हैं, और आपको अगर ये प्रोजेक्शन सही ढंग से समझ में आ रहे हैं
तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे की वीडियो भी ऐसे ही बनाते रहें। तो कल हम लोग जेनिथल प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू।